फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्सा मॉन्ट्यूब। मैं दिव्या आ गई हूँ लेकर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बनने वाली एक रेसिपी। सो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ मुढ़ी या मुड़मुड़े जिसे बोलते हैं, उसकी रेसिपी। जैसे कि आप लोग पोहा बनाते हैं ना, ये उसी तरीके से बनती है, तो मैं वो बनाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि मुड़मुड़े तो हर एक के घर में होता ही है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और जो सब मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आज ये मुड़मुड़े यानी मुढ़ी का मैं जो है पोहा टाइप से बनाने के लिए जा रही हूँ। तो बहुत लोगों के घर में ये तो इजी वे में मिल ही जाता है, मुढ़ी तो हर किसी के घर में होता ही है। तो मैं इसके साथ ही आज पोहा टाइप से बनाने के लिए जा रही हूँ। तो इसमें क्या क्या लग रहा है वो आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसके साथ ही मैंने एक कटोरी मुढ़ी ले लिया है और एक लिया है आलू, जो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट करूंगी। टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बाद में डालूंगी। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और गाजर और प्याज। तो ये सबको पहले मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, थोड़ा सा चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे इसे। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा वो फॉर्चून ऑयल। अब इसके साथ ही मैं डाल दे रही हूँ इसमें जो है मैंने लिया था जो कड़ी पत्ता और जीरा और सरसों, इसे डाल देती हूँ इसमें और ढक देते हैं ताकि ये टूटे ना। तो ये अच्छे से जो है तरक गया है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ जो मैंने चॉप करके सारा रखा हुआ है और इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो ये जो है टमाटर और ये जो मैंने सारा चीज, सॉरी टमाटर नहीं, बाकी सारा जो इसमें मैंने प्याज वगैरह डाला था ये फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें जो है आलू डाल दे रही हूँ, ये देख लीजिए। इसके साथ ही मैंने ये सारे मुड़मुड़ों को जो है धो लिया है, तब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, अब डाल दे रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और इसे फ्राई करके अब जो है सबको सर्व कर देंगे। ये देख लीजिए, ये मात्र 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, जो आप लोग अपने घरों पर आराम से बहुत ही जल्दी बनाकर किसी को भी खिलाने के लिए दे सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने जो है सर्व कर लिया है, अब मैं सबको देने के लिए। आप लोगों को आज का मेरा मुड़मुड़े का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो जल्दी मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मेरे से रेसिपी ब्लॉगिंग या फिर ये मतलब पूर्णिया का हम लोगों का कोई सा भी ब्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए मतलब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।